बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोलापुर जिले में किसानों ने अपनी खरीफ और रबी फसल की प्रधानमंत्री फसल बीमा का ऑनलाइन फॉर्म सरकार के निर्धारित समय में भरकर अपनी फसल का नुकसान पाने के लिए बीमा मूल्य भरा था, लेकिन किसानों को उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला, जिसको लेकर किसानों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है और पैसे की कमी के चलते किसान सरकार से जल्द ही मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री बीमा के लिए पैसे भरा था बैंक में, तो नाक में कुछ फकीर बोल के दिखावत आ गया, उसलिए बैंक वाले बीमा वाले ने मेरा जो फार्म आता वो रिजेक्ट कर दिया। दो तीन दिन पहले मैं मिसेज आने के बाद मैं जाके इंक्वायरी करा तो मकानदार फकीर बोल के ऐसा कपात हुआ करके हमारे को मैसेज आया। उसलिए हम गए बार भरे तो हमारे पैसे फसल के लिए उधर बैंक में रखे तो वो रिजेक्ट नहीं कहा, अभी देने की बारी आने के बाद हमारा फार्म रिजेक्ट हुआ बोल के ऐसा वो बीमा कंपनी वाले बोल रहे। उसलिए हमारे ऊपर ये किसानों के ऊपर अन्याय है, उसलिए इसके वजह से आप सरकार कुछ तो ये करके हमारा बीमा फार्म मंजूर करा बोल के मेरी विनती है। हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन बीमा लिया था और इस साल महाराष्ट्र सोलापुर में बहुत सुखाव है और अभी सुखाव की वजह से किसानों का बहुत नुकसान भी हो चुका है और इसी टाइम किसानों को एसएमएस आ चुके हैं कि आपका जो बीमा लिया था वो रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारे किसानों को एसएमएस पढ़ने को भी नहीं आ रहा है और जो एसएमएस आया है तो उसमें क्या आता है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए ये जो बीमा फसल योजना था वो किसानों को मुनाफा मिलने के लिए था या बीमा कंपनियों को मुनाफा मिलने के लिए था,